हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सभी फैक्टर्स को आज के क्लास में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कि जब भी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस होती है। अब होमोलिसिस कैसे होती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की, जब उसके ऊपर हम लाइट रेडिएशंस को डालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम लाइट रेडिएशन डालते हैं, हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस डालते हैं या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, ये एल्काइल और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये होमोलिसिस इस तरीके से होगी, एक इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड का इस एल्काइल ग्रुप को मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये दूसरा हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई भी एल्काइल जो फ्री रेडिकल होता है, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है ये, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, क्योंकि 3 इसके बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और एक ही इलेक्ट्रॉन 7। तो कोई भी एल्काइल फ्री रेडिकल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं कार्बन पे जिसके ऊपर रेडिकल होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर एक एटम के अराउंड में किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दें या उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दें तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जो फ्री रेडिकल्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे वो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो आज हम वो सभी फैक्टर्स देखने वाले हैं जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में को हम ये जानते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है दो तरीके से होता है, एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसको प्लस आई बोलते हैं, और एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट, प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, माइनस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। तो फ्री रेडिकल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम फ्री रेडिकल्स की कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दें, मतलब कोई ऐसा ग्रुप लगाएं फ्री रेडिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देता है और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो प्लस आई वाले जो भी ग्रुप होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और माइनस आई वाले जो ग्रुप होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये 4 फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल लिए, 1, 2, ये 3 और ये 4, इन सभी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है। तो सभी में कार्बन के ऊपर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल्स की हम स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो ये कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री रेडिकल है, तो इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई इफेक्ट होता है ना ही माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये तो मिथाइल फ्री रेडिकल है हमारा, ये हमारा इथाइल फ्री रेडिकल है। इसमें कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप होता है, और जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल को देगा। अब ये फ्री रेडिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
जब कोई भी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्री रेडिकल को प्रोवाइड करेगा, तो ये जो ग्रुप है ये फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ही ये अनस्टेबल था, अब ये ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो ये वाला फ्री रेडिकल इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या बाय प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो दो CH3 ग्रुप है, तो ये वाला CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये वाला CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब इस वाले से ये ज़्यादा स्टेबल है और इस वाले से ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप है, तीनों मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, एल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जैसे हमने यहाँ पे इनको कंपेयर किया है। यहाँ तीन प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप थे तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे एक भी कोई ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा हो तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये हेक्जेन है और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है इस तरीके से, और एक हमने ये लिया है ये हेक्जेन है, इस एक इसमें यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले वाला इससे ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे ये फ्री रेडिकल है उसको इलेक्ट्रॉन कौन कौन डोनेट कर रहा है, तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे दो ही ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, लेकिन इस वाले में क्या है, ये कार्बन भी डोनेट कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो तीन तीन ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए पहले वाले की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो जो भी हाइपर कंजुगेशन होता है, जिस भी फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता है उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। अब जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि हाइपर कंजुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से भी जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फ्री रेडिकल को, और फ्री रेडिकल को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना क्या होता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे मान लो ये एक कार्बन है, इस पे ये कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ये कार्बन के ऊपर रेडिकल है। हमने फ्री रेडिकल की जब स्ट्रक्चर देखी थी तो हमने बताया था कि कार्बन कैसा, कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब कार्बन के अराउंड में जो अरेंजमेंट होता है बॉन्ड का, वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, तो sp2 है तो ये तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो गई इतनी, और एक जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो हमने देखा था कि फ्री रेडिकल में इस तरीके से एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होता है, और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो अब क्या होता है कि फ्री रेडिकल जिस कार्बन के ऊपर है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये वाला इस कार्बन से जो नेक्स्ट जो भी कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं इस वाले कार्बन पे, जैसे ये हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन के अंदर, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन का एक और जो तीसरे वाला प्योर वाइटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अनहाइब्रिडाइज प्योर वाइटल। और ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होता है? सिग्मा। इस बॉन्ड के अंदर हमें पता होता है एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये पी और बाइटल और ये सिग्मा और बाइटल, इस ये सिग्मा बॉन्ड का जो और बाइटल होता है उसको सिग्मा और बाइटल बोलते हैं। तो ये सिग्मा और बाइटल, तो पी और सिग्मा और बाइटल में मतलब पी और सिग्मा ओवरलैपिंग होती है हाइपर कंजुगेशन में। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या होगा इनके बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहाँ पे रह गया, एक यहाँ पे, इन दोनों ने मिलकर आपस में पाई बॉन्ड बना लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे हाइड्रोजन पे आ गया। तो कहने का मतलब जो फ्री रेडिकल यहाँ पे, फ्री रेडिकल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, वो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे खत्म हो गई। कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होते हैं कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देते हैं। अब जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा कब होगी? जब जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का हमने देखा कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे ये तीन फ्री रेडिकल हमने लिए हैं, इन तीनों के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेस पे एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला इससे कम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे बताया है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कार्बन पे फ्री रेडिकल है, नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन? ये तीन अल्फा कार्बन, और हर एक अल्फा कार्बन पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 और 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है। तो अब हाइपर कंजुगेशन यहाँ सबसे ज़्यादा होगी इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब इससे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी इससे कम है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी इन तीनों में। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 CH2 रेडिकल है, और एक हमारे पास है ये रेडिकल, मतलब ये प्रोपाइल रेडिकल है, ये आइसो प्रोपाइल रेडिकल है। इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, तो अब बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ये 1 है और ये 2 है, तो मैं बताता हूँ आपको, ये 2 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कम। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये दो मिथाइल ग्रुप है, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखें तो इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और इसका प्लस आई जो इफेक्ट होता है इन दोनों का ये कम होता है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के बेस पे आप इसको ज़्यादा स्टेबल बता रहे हो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसमें कम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हाइपर कंजुगेशन वाला जो फैक्टर होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। तो हमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों लग रहे हों, तो हाइपर कंजुगेशन वाला जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करेगा। तो ये रीजन होता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस और कंजुगेशन इफेक्ट, कि अगर कोई फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर किसी भी फ्री रेडिकल में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऐसा फ्री रेडिकल जिसमें रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की वजह से भी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेजोनेंस से जो फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिलोकलाइज हो जाता है एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन पे। यही रीजन होता है कि रेजोनेंस की वजह से फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब मोर इज द रेजोनेंस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स में रेजोनेंस कैसे होती है। कि जैसे ये हमारा अलाइल फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल का नाम क्या है, अलाइल फ्री रेडिकल। तो इस अलाइल फ्री रेडिकल में इस कार्बन वन पे ये वन है, टू और ये थ्री, कार्बन वन पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इस पाई बॉन्ड के साथ इंट्रैक्ट करेगा। मतलब जिस पी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, इस ये वाला पी ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इस पाई बॉन्ड की और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, इस पाई ऑर्बिटल की और पी की ओवरलैपिंग होगी। तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, तो ये दोनों मिलकर आपस में वन और टू के बीच में पाई बॉन्ड बन गया और ये इलेक्ट्रॉन हमारा एज इट इज रह गया फ्री रेडिकल की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फ्री रेडिकल जो पहले कार्बन वन पे था, अब वो किस पे आ गया, थ्री पे। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया इस पूरे मॉलिक्यूल में। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है, जब इस तरह से रेजोनेंस होता है फ्री रेडिकल में, तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की होगी। अब जैसे ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, बेंजाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा, इस बॉन्ड का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन पे। तो क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये था और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों ने मिलके पाई बॉन्ड बना लिया। और इस पाई बॉन्ड का जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरीके से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस बॉन्ड का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इधर। तो अब मतलब इस वाले कार्बन और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, एक ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरे वाले पाई बॉन्ड का सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस कार्बन पे अब ये आ गया फ्री रेडिकल, अब इस वाले का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, अब इस और इस कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड बन गया और ये यहाँ पे हमारा रेडिकल फिर से आ गया। तो कहने का मतलब ये जो फ्री रेडिकल पहले इस कार्बन पे था, ये पूरे इस कार्बन पे गया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर वापस से इस कार्बन पे। कहने का मतलब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी बेंजीन रिंग पे इस तरीके से डिलोकलाइज हो गया। तो रेजोनेंस की वजह से फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा रेजोनेंस, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब हम वन, टू और थ्री इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इसके साथ तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये रेडिकल इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, इधर भी डिलोकलाइज होगा और ये रेडिकल इधर भी डिलोकलाइज होगा। तो तीन तीन बेंजीन रिंग में ये डिलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। यहाँ दो बेंजीन रिंग है, तो ये इधर डिलोकलाइज होगा ये इलेक्ट्रॉन और इस रिंग पे भी डिलोकलाइज होगा।
तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे तीन पे डिलोकलाइजेशन हो रहा था, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम स्टेबल। यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है, तो ये सिर्फ इसी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होती है उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है फ्री रेडिकल्स की। तो अब हमने तीन फैक्टर देखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर किसी भी फ्री रेडिकल्स की हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो इन तीनों फैक्टर को हमें वहाँ पे देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इस तरीके से फ्री रेडिकल्स लिख रहा हूँ, एक ये फ्री रेडिकल है हमारे पास, एक हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल है। तो इन तीनों फ्री रेडिकल्स की हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे इस वाले फ्री रेडिकल में कौन कौन से फैक्टर लगेंगे, ये फ्री रेडिकल है तो ये वाला ग्रुप इधर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी होगा। ये अल्फा कार्बन है इस फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो इस पे दो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन भी, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होगा। और ये फ्री रेडिकल के आगे ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन भी पॉसिबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है और एक इधर, तो इन दोनों के बीच में ये रेजोनेंस हो रही है, तो कहने का मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी है। यहाँ पे क्या है, इस और इस कार्बन की वजह से प्लस आई इफेक्ट है, और ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, और दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है। इस वाले रेडिकल में क्या है, ये जो पूरा इथाइल ग्रुप है इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट भी है, और इन दो हाइड्रोजन की वजह से क्या है, टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है। तो अब हम सारे इन तीनों फ्री रेडिकल में कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं वो सभी देख लिए हैं। अब लेकिन स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनका, तो देखिए यहाँ पे लग रहा है रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव भी लग रहा है, लेकिन साथ में कौन सा लग रहा है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, रेजोनेंस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डोमिनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, तो जिस भी रेडिकल में रेजोनेंस लग रही है तो वो वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाले रेडिकल में रेजोनेंस है, बाकी इन दोनों में नहीं है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें प्लस आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस वाले में भी प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या करें, तो अब हमें पता है दोनों में प्लस आई लग रहा है और दोनों में ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, तो इन दोनों में से जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें तो फोर अल्फा हाइड्रोजन है, फोर अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, टू अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को जब भी हमें कंपेयर करना है तो इन सभी फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा।